तो बुलंदशहर से बड़ी खबर मिल रही है, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बड़ी जानकारी आपको दे दे, गोली लगने के बाद बदमाश घायल हुआ है। घायल बदमाश का अस्पताल में इलाज चल रहा है। साथियों के साथ मिलकर लूटा था सरिये से भरा ट्रक, ये जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही बदमाश के दो साथी गाजियाबाद से हो चुके हैं गिरफ्तार। इसके साथ ही गुलावटी इलाके में ये मुठभेड़ हुई है, ये जानकारी मिल रही है। तो बड़ी जानकारी देखिए आपको देते, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें कि ये मुठभेड़ में गोली लगने के बाद बदमाश घायल हो गया है। घायल बदमाश का अस्पताल में इलाज चल रहा है। साथियों के साथ मिलकर सरिया के से भरा जो ट्रक है वो लूटा गया था, ये जानकारी मिल रही है। बदमाश के दो साथी गाजियाबाद से पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। गुलावटी इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। दरअसल ये मुठभेड़ हुई, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जहां आपको बता दें कि गोली लगने से बदमाश घायल हुआ है। घायल बदमाश का अस्पताल में इलाज भी चल रहा है, लेकिन वो तस्वीर भी आप देखिए, इस जगह पर ये मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें कि साथियों के साथ मिलकर सरिये से भरा ट्रक लूटा करता था ये बदमाश, और बदमाश के दो साथी गाजियाबाद से हो चुके हैं गिरफ्तार, ये जानकारी मिल रही है। गुलावटी इलाके में ये मुठभेड़ हुई, तो बड़ी जानकारी देखिए इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। तो मुकेश राजपूत फोन लाइन पर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे ले लेते हैं, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर, क्योंकि पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, बदमाश घायल भी हुआ। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा, पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल भी है, जो कि अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। आपको बता दें, कस्बा गुलाटी में दो दिन पहले ही एक सरिये से भरे ट्रक को बदमाशों द्वारा लूट लिया गया था, और दो आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया गया था, जिसके चलते जो जीसान है जिसके साथ पुलिस की आज मुठभेड़ हुई है, यह भी उनका साथी बताया जा रहा था। पुलिस की छानबीन के दौरान जीसान का पता लगाया गया, और पुलिस लगातार जीसान को पकड़ने का प्रयास कर रही थी। तो इसी दौरान देर रात्रि में रात गुलावटी पुलिस द्वारा और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसके चलते बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग भी की, और बार बार पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो बचे हैं। वहीं पुलिस की गोली लगने से जो बदमाश है वह घायल हुआ है, और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जनपद बुलंदशहर में जिस तरीके से क्राइम होता है, तो पुलिस कहीं ना कहीं क्राइम को कंट्रोल करने में पूरी अपनी अहम भूमिका निभा रही है, जिससे कि गुलावटी पुलिस द्वारा ये एक बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल, सराहना भी पुलिस के इस दौरान की जा रही है मुकेश, लेकिन इस बारे में जानकारी दीजिए, क्योंकि बदमाश के दो साथी गाजियाबाद से गिरफ्तार हो चुके हैं, बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है, यानी कितने बदमाश थे और कितने बदमाश गिरफ्तार हो चुके हैं? जी बिल्कुल, दो बदमाश पुलिस द्वारा गाजियाबाद से गिरफ्तार किए गए हैं, और ये अन्य जो बदमाश था अभी इसके साथी कोई फरार नहीं है, यही बदमाश फरार चल रहा था, जिसको लेकर के पूरी पुलिस इस बदमाश को पकड़ने का प्रयास कर रही थी। तो वहीं पुलिस की मुखबिर की सूचना पर बताया गया कि बदमाश फिर नई घटना को अंजाम देने के लिए जा रहा है, और कहीं ना कहीं फिर पुलिस इस बदमाश की ताक में बैठी थी, कि जिससे कि जो सरिया भरा ट्रक लूटा गया था इन बदमाशों के द्वारा, तो कहीं ना कहीं आप देख सकती हैं कि फिर एक बार जो जीसान बदमाश है उस पर पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है। बिल्कुल, अब आगे की कार्यवाही पर लगातार नजर बनी रहेगी, आप भी नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक साझा करने के लिए।